हम लोग रेडी हो गए हैं, 8:30 बज चुके हैं। जल्दी जल्दी तैयार हो, निकलना है, बहुत दूर जाना है। अपन लोग को जाना वैसे कहाँ? शक्ति नगर? क्यों, कहाँ जाना है? रामपुर में कल्याण भवन। रामपुर में कल्याण भवन, वहाँ एक मैरिज है, तो वहाँ के लिए हम लोग रेडी हुए हैं। चल, दोनों में से कौन जल्दी पहन लिया शूज? चलो अब हो गया, चलो आ जाओ, सब लोग आओ। ठंड ज्यादा हो गई है, पलट के ठंड आ गई है। अभी 3-4 दिन तो ठंड बिल्कुल नहीं थी, गर्मी सी होने लगी थी, लेकिन फिर ठंड हो गई है। बहुत अंधेरा है बाहर, तो उतना क्लियर वीडियो नहीं आ पा रहा है। हे गाइस, गुड इवनिंग। आज मेरी आवाज़ से आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, इसलिए मैंने कल भी कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। कल पूरा दिन रेस्ट किया, आज पूरा दिन रेस्ट किया, और मेरे फेस से भी समझ में आ रहा होगा बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, और आवाज़ भी कितनी चेंज हो गई, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं। तो मैंने आज कुछ खाना भी नहीं बनाया, क्योंकि सुबह से फीवर भी था, तो आज सुबह कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई। मेडिसिन लिया ना, तो थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है अभी। दोपहर को तो आज लंच में इंडियन कॉफ़ी हाउस से ही कुछ खाना मंगा लिया था, तो उससे काम चल गया। बट जब तक घर पे नहीं कुछ बनाकर खाओ, तब तक मन नहीं मानता है। तो चलिए किचन में चलते हैं। अपने मन से ही लंच पे आए थे हस्बैंड, तो लेकर आ गए थे ये छोले की सब्जी और दाल और रोटी लाए थे। बेटी को भी अभी कोचिंग जाना है, तो कुछ तो खाएगी शाम का, कुछ स्नैक्स वगैरह सोच रही हूँ बनाने को। ब्रेड रखी हुई है, देखती हूँ। चाय भी पियोगी तो सिंपल ब्रेड बस खाओगी? सेक के ब्रेड भी बहुत एडजस्टेबल होते हैं, बहुत एडजस्ट करते हैं। उनको पता चल जाता है कि माँ बीमार है, तो वो भी कहते हैं ठीक है, जो खिला दो वही सही। तो मैं सोच रही हूँ कि ब्रेड ब्रेड मलाई बोल रही खाने को, तो ब्रेड सेक देती हूँ, तो वो खा लेगी, और मैं अपने लिए बनाऊंगी बढ़िया अदरक वाली चाय, क्योंकि सर्दी में अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। अब डिनर में देखती हूँ क्या बनाती हूँ। इधर चाय भी चढ़ा देती हूँ। कैसी लग रही सृष्टि ब्रेड मलाई है? खा लिया? और खाना है? आज मैं मटर वाला राइस बना रही हूँ, तो उसको कैसे बनाती हूँ मैं? उसको वैसे हम लोग नमकीन चावल बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे, उसको मैं बताऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ। ठंड में गरम गरम खाने में बहुत अच्छा लगता है,
और अगर राइस खाने का मन, सिंपल राइस तो खाया नहीं जाएगा, तो उसको हम कोई चटनी या अचार के साथ भी खा सकते हैं, या फिर कोई सब्जी हो तो खा सकते हैं। मैंने बासमती चावल लिया है, उसको धो करके रख दिया है, डाइनिंग टेबल में बैठकर चॉपिंग कर लूँगी और फिर किचन में जाकर फटाफट फ्राई कर दूँगी, तो ज़्यादा टाइम तक खड़े नहीं रहना पड़ेगा। दो प्याज है, एक टमाटर है, कुछ हरी मिर्च है, मटर है और ये धनिया पत्ती, बस इतना ही लेना है। ये हमारी सारी चॉपिंग हो गई है। आप कुकिंग ऑयल से बना सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से बनाइए जिससे आपको बनाना है, बट मैं इसको घी से ही बना रही हूँ। इसको 5-10 मिनट पहले ही धो करके रखिए तो बहुत अच्छे चावल बनते हैं। इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे, फिर इसमें हरी मिर्च डालेंगे, इसमें प्याज डाल देंगे, ये थोड़ी ऐसी भुन जाए प्याज, फिर हम ये मटर ऐड करेंगे। इसको मैंने धो लिया है, ढक करके मटर को पकने हो गई है, बस थोड़ा सा ही फ्राई करना है क्योंकि अभी ये जब चावल पकेगा वैसे ही मटर पक जाएगी। धनिया डालेंगे, सिर्फ इतना धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। और ये टमाटर इसमें ऐड कर देंगे, गैस को तेज कर लेती हूँ। और इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, धनिया भी इसमें ऐड कर देते हैं, इसमें चावल ऐड कर देंगे। इसमें हम गाजर, शिमला मिर्च ये सब भी डाल सकते हैं, फ्रांस बीन, अगर आप ये सब भी डाल सकते हैं चाहते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ मटर वाला बना रही हूँ। मिक्स करके अच्छे से फिर इसमें पानी ऐड कर देते हैं। जितना आप चावल में पानी डालते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा डालिए, क्योंकि इसमें सब्जी वगैरह है, क्योंकि इसमें मटर पड़ी है, थोड़ा मटर भी सोख लेता है पानी। कुकर को बंद कर देते हैं, जैसे ही 1 सीटी आएगी अपन गैस को बंद कर देंगे। 1 सीटी आ गई तो हम गैस को बंद कर देते हैं। ठंडा हो गया, ऐसा बना, ये एक एक बिल्कुल अलग अलग बना।